मैं हूँ शिवानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ। लीजिए आपके सामने मैं हाजिर हूँ आप सभी की प्यारी अनिका यानी कि इश्कबाज में नजर आने वाली खूबसूरत टीवी एक्टर सुरभि चंदना से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जिनसे शायद आप अब तक अनजान हैं। जी आज के इस खास प्रोग्राम में बात होगी हमारी प्यारी सी अनिका जो हमेशा ऑन कैमरा थोड़ी सी नर्वस, थोड़ी सी बबली, थोड़ी सी टॉकेटिव, थोड़ी सी शरारती नजर आती है। तो वहीं आज हम रूबरू करवाएंगे अनिका फेम यानी कि सुरभि चंदना की असल शख्सियत से कि आखिर अपनी जिंदगी में किस तरह की पर्सनालिटी वो रखती है। साथ ही आपको यहाँ बताएंगे कि अनिका की क्या है पसंद और नापसंद और क्या है वो इंटरेस्टिंग बातें जो शायद ही उनके फैंस जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ये खूबसूरत सा सेगमेंट और आपको बताते हैं आप ही की प्यारी अनिका के बारे में ये कुछ खास बातें। आप सभी की प्यारी अनिका यानी कि सुरभि चंदना को आपने कई दिनों से, कई सालों से, कई महीनों से आपकी फेवरेट शो इश्कबाज में आप सभी को एंटरटेन करते देखा होगा। लेकिन आज हम आपको सुरभि चंदना यानी कि आपकी प्यारी अनिका से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं जिनसे शायद आप अब तक अनजान हैं। वेल, अगर बात की जाए सुरभि चंदना के निकनेम की तो उनको प्यार से हर कोई सुरभि कहकर ही बुलाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए उनके खूबसूरत टेलीविजन डेब्यू की तो टीवी सीरियल कबूल है से अनिका ने यानी कि सुरभि चंदना ने अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां उन्होंने कॉलेज आर्थवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी से अपनी पढ़ाई पूरी की। तो वहीं मुंबई महाराष्ट्र उनका होम टाउन बताया जाता है। इतना ही नहीं, सुरभि को फ्री टाइम में किताबें पढ़ना, डांस करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं आपकी प्यारी अनिका यानी कि सुरभि चंदना की कुछ खूबसूरत चीज़ों के बारे में। जी हाँ, अगर बात की जाए अनिका के सबसे पसंदीदा एक्टर की तो इरफान खान, जॉन स्टेमोस उनके सबसे ज़्यादा पसंदीदा अभिनेताओं के लिस्ट में से एक हैं। तो वहीं द सीक्रेट बाय रोनाल्डो ब्रेन उनकी फेवरेट बुक है जिसे वो अक्सर पढ़ा करती हैं। तो वहीं अगर कोई फेवरेट रेस्टोरेंट आउटलेट के बारे में बात करें तो आप इंफॉर्मेशन के लिए बताते चलें कि सुरभि की फेवरेट रेस्टोरेंट डेस्टिनेशन कोई और नहीं बल्कि द फेमस फूड जॉइंट ब्रांड मैकडोनल्ड्स है, जहां की हर एक चीज़ हमारी सुरभि को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो वहीं ग्रीस जाकर वहाँ की वादियों में अपने साथ कुछ फुर्सत के पल बिताना अनिका को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुरभि ने अपने स्कूल और कॉलेज के दौरान इंडिया प्रिंसेस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और इसके बाद उन्होंने कई सारे कमर्शियल एड्स भी किए। हालांकि सुरभि को इतनी पहचान किसी चीज़ से नहीं मिल पाई जितनी उन्होंने टीवी सीरियल कबूल है में बेहद खूबसूरत रोल प्ले करने के बाद अपनी पहचान हर किसी की दिल और दिमाग में बनाई। तो वहीं अगर बात की जाए सुरभि चंदना की खूबसूरती की तो वो कई सारी बॉलीवुड से लेकर टीवी एक्ट्रेसेस की लिस्ट को पीछे छोड़ती नजर आती हैं, क्योंकि वो है ही इतनी खूबसूरत कि लोग उन्हें हमेशा देखना पसंद करते हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं और आपको बताते हैं सुरभि चंदना से जुड़े कुछ और दिलचस्प बातें। जी हाँ, हमेशा परफेक्ट और खूबसूरत दिखने वाली अनिका आखिर किस तरह से अपना ब्यूटी मेंटेन करते हैं आज हम आपको ये भी बताने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहाँ एक तरफ इंडस्ट्री की हर एक्ट्रेस अपने आप को फिट रखने की जद्दोजहद में लगी रहती है तो वहीं सुरभि वर्कआउट को फन समझकर करती हैं। वो एक खास और पॉपुलर वर्कआउट करती हैं जिसमें कैलोरीज तो बर्न होती हैं लेकिन उन्हें ऐसा करने में मजा बेहद आता है। अगर बात की जाए सुरभि के दिए एक इंटरव्यू के दौरान की तो जहां इस बात का खुलासा करते हुए सुरभि ने कहा था कि सिर्फ अपने फिटनेस सीक्रेट शेयर करने के लिए ही नहीं बल्कि मैं ये रियल लाइफ में भी करना पसंद करती हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुरभि ने अपने दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें गाना सुनना बेहद पसंद है, इसीलिए उन्हें डांस भी करना बहुत अच्छा लगता है। तो वो सिर्फ डांस करते हुए अपने आप को फिट रखने की कोशिश करती हैं ताकि इससे थोड़ी सी मेहनत हो और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छे से उभर कर आए। जी हाँ,
ज्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार आपकी सुर भी अपने आप को कैसे फिट और ब्यूटीफुल रखती है। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि सुर भी जुम्बा डांस की मदद से अपनी बॉडी को इतना ज्यादा फिट रखती हैं। इसी के साथ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि जहां सुरभि ने अपने इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा था कि जब मैंने पहले दिन जुम्बा किया तब सिर्फ 15 मिनट के लिए किया था, फिर धीरे धीरे वर्कआउट में मैंने मजा लेना शुरू किया और अब मैं इसे 2 घंटे तक कर सकती हूँ। मुझे जुम्बा करने में बहुत मजा आता है, मुझे नहीं लगता कि कोई वर्कआउट है, मुझे लगता है कि बस नाचना है और आपको अपना डांस इंजॉय करना है और शायद यही है मेरी फिटनेस का सीक्रेट। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जुम्बा को एक और कारण से सुरभि पसंद करती हैं और वो है इसे करने के लिए कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं चाहिए। जी हाँ, वर्कआउट जहाँ अक्सर लोग सुबह उठकर सबसे ज्यादा करना प्रेफर करते हैं क्योंकि फिटनेस गुरु की माने तो ये सुबह करने में ज्यादा फायदेमंद होता है, तो वहीं जुम्बा आप कभी भी कर सकते हैं, बस इससे पहले 30 मिनट के अंदर आपको कुछ खाना या पीना नहीं होता। तो सुरभि यानी कि आप सभी की प्यारी अनिका अक्सर इसे शाम को करना पसंद करती हैं। हालांकि काम खत्म करने से कम 1 घंटे तक इसे वो जरूर करना पसंद करती है। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब सुरभि से उनके दिए इंटरव्यू में ये पूछा गया कि आखिर उनकी परफेक्ट फिगर क्या जुम्बा से ही मिली है, तो इस सवाल के जवाब में सुरभि ने कहा कि वर्कआउट की तरह हम हर बॉडी के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। ये आपकी पूरी बॉडी पर एक साथ काम करता है। आप नीचे झुकते हैं, फिर खड़े होते हैं, राइट लेफ्ट मुड़ते हैं, हाथ पैर सब कुछ एक साथ वर्क करते हैं और इस वजह से मुझे लगता है कि ये बेस्ट एक्सरसाइज है। और हालांकि सुरभि के मुताबिक उन्होंने कहीं पढ़ा भी है कि पूरी बॉडी के एक्टिव रखने के लिए जुम्बा से अच्छा वर्कआउट शायद ही कोई हो क्योंकि ये सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है। तो मुझे लगता है कि हर किसी को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। इंटरेस्ट वर्कआउट बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है और योग भी बहुत बोरिंग, इसीलिए जुम्बा इंजॉय करते हुए अपनी फिटनेस को एकदम परफेक्ट बनाना ये अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वहीं सुरभि ने अपनी खाने पीने का राज खोलते हुए ये भी बताया कि वो एक पंजाबी घर से हैं और हमारे यहाँ दिन रात खाना पीना चलता है। हर 2 घंटे में हमारे यहाँ लोग कुछ ना कुछ खाने बैठ जाते हैं। लोग कहते हैं कि हर 2 घंटे में कुछ खाना अच्छी बात है, मगर ये खाना नॉर्मल नहीं होता। जी हाँ, सुरभि पंजाबी हैं तो उनके यहाँ पर ज्यादातर आलू के पराठे, पकौड़े, दही बड़े, मिठाइयाँ यही सब खाया जाता है और वो अपने आप को रोक नहीं पाती। अब तो सुरभि की माँ ने तो उन्होंने अपनी डाइट पर काफी ज्यादा कंट्रोल कर लिया है, लेकिन इसे हर रोज कंट्रोल नहीं कर पाती, इसीलिए उनके लिए वर्कआउट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जुम्बा करना बहुत ही ज्यादा इजी है और इसीलिए वो जुम्बा डांस को करना कभी भी मिस नहीं करती। इसी के साथ सुरभि से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग बातें आपको बताते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि सुरभि ने सब टीवी के पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी अपनी टीवी इंडस्ट्री में आने से पहले अपने कदम आजमाए थे। उन्होंने सीरियल में स्वीटी का किरदार निभाया था जो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था। इसी के साथ टीवी सीरियल कबूल है में सुरभि ने साल 2013 से 14 तक काम किया और इस सीरियल में वो हया इमरान कुरैशी के किरदार में इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि हर कोई उनके लुक और उनकी एक्टिंग पर फिदा हो गया। और अब जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि इश्कबाज सीरियल में अनिका का रोल प्ले कर हर तरफ धमाल मचा देने वाली सुरभि ज्योति भले ही इस शो को अलविदा कह चुकी हूँ, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उनके फैंस उनको इस शो में वापस देखने की इच्छा रखते हैं और इसी से ये प्रूफ होता है कि ये सुरभि ज्योति एक खूबसूरत आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन एक्ट्रेस भी है और उनके फैंस उन्हें शायद उनकी परफॉर्मेंस के लिए ही सबसे ज्यादा मिस करते हैं। तो भाई वी होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वेल, अगर आपको ये अच्छा लगा तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, हमारे चैनल एक्सटर्नल लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहाँ और सिर्फ यहाँ देते हैं हम आपको टीवी स्टार और बॉलीवुड स्टार से जुड़ी पूरी अपडेट, वो भी कैमरे के पीछे की पूरी सच्चाई।